भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग खेती बाड़ी से जुड़े कामों में लगा रहता है और यही उनकी आजीविका का साधन भी होता है। खेती बाड़ी का नाम लेते ही दो बातें हमारे आंखों के सामने आती हैं, एक किसान और दूसरी उसकी मेहनत। लेकिन जरा सोचिए, किसान का नाम लेते आपकी आंखों के सामने किसकी तस्वीर बनी? ज्यादातर लोगों के लिए किसान की पहचान एक पुरुष किसान से होती है, जो कि एक अधूरी तस्वीर है। ठीक उसी तरह ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी को बहुत ही मेहनत का काम समझते हैं और उस मेहनत को अक्सर पुरुषों से जोड़ा जाता है। लेकिन तकनीक और विज्ञान के इस दौर में इन दोनों को ठीक से समझना हम किसानों के लिए भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि किसान महिला और पुरुष दोनों होते हैं, क्योंकि खेती से जुड़े कामों में दोनों की हिस्सेदारी लगभग बराबर की होती है। और दूसरी बात, जानकारी और तकनीक का सहारा लेकर खेती को आसान और लाभकारी बनाया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में भी महिला किसानों को अपनी पहचान बनाने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ता है, जहां वो काम तो करती हैं, लेकिन मेहनत आना बराबर नहीं मिलता। साथ ही खेती से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार भी अक्सर उनके पास सीमित होता है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि घर के बाहर का काम या खेती से जुड़े निर्णय लेने वाले या बाजार का काम पुरुष किया करते हैं, जैसे बीज का चुनाव, रासायनिक खाद या कीटनाशक खरीदना, खेतों की जुताई करना या फिर बाजार में जाकर अपनी फसलों को बेचना। दूसरी तरफ घर के अंदर या खेतों का मेहनत वाला काम महिलाएं किया करती हैं, जैसे रोपाई, निराई, कटाई, भंडारण आदि, जिसे उतना महत्व नहीं दिया जाता। हम सब जानते हैं कि महिलाएं एक कुशल प्रबंधक होती हैं, जो घर, खेती और समाज को सही से संभालती हैं और उन्हें जब जब मौका मिला है उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को सही साबित किया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जीरो टिलेज से आलू की खेती करना। जी हाँ, आलू की खेती के लिए जीरो टिलेज की तकनीक को अपनाकर किसान और विशेषकर महिला किसान आसानी से न केवल अपने तथा अपने परिवार के लिए आलू को उपजा रहे हैं, बल्कि अपने आय को भी बढ़ा रहे हैं और दूसरे किसानों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। पहली बार हमने जीरो टिलेज के बारे सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैंने भी आरपी दीदी के घर गई और देखी कि दीदी किस तरह से आलू की खेती की है। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं भी जीरो टिलर से आलू की खेती करूंगी। किसी भी चीज को बिना देखे कैसे विश्वास कर सकते हैं? एक कृषि सखी होने के नाते मैंने खुद से जीरो टिलर आलू की खेती की है और मुझे अनुभव हुआ कि इस विधि से करने में बहुत आसान है। और दीदी और भैया को हमने बताया, दिखाया, अब बहुत सारे किसान करने भी लगे हैं। खेती की यह विधि महिला किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है, जिसके कई कारण हैं। चूंकि इस विधि से खेती करने में खेतों की जुताई नहीं करनी पड़ती है, कम सिंचाई और रासायनिक खादों की जरूरत पड़ती है, इसलिए महिला किसानों को इन कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। लेकिन इसकी शुरुआत भी महिला किसानों के लिए आसान नहीं थी। जब महिला किसानों ने ये निर्णय लिया कि वो जीरो टिलेज से आलू की खेती करेंगी, तो घर में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बिल्कुल नया तरीका था जिसे सब लोग पहली बार देख या सुन रहे थे। पर ये महिलाएं बिल्कुल डटी रही और बातचीत करके उन्होंने धीरे धीरे पहले अपने घर वालों को मनाया, अपने घर के पीछे वाली छोटी सी जमीन पर इसे लगाने का निर्णय लिया। और जब आलू की उपज हुई तो सब लोग हैरान थे, क्योंकि बहुत ही कम खर्च और मेहनत कर आलू की अच्छी उपज मिली। आसपास के लोगों ने भी इस विधि से होने वाली खेती को देखा और फिर इसी तरह से आलू की खेती करने का निर्णय लिया। शुरू में हमने इसे अपने बगीचे में लगाया था। इसे उपज देखकर अपने पति के साथ मिलकर बड़े से खेत में लगाया। जीरो टिलर से आलू के खेती करने में बहुत ही आसान है और सच कहूँ तो कम मेहनत और कम खर्च में फायदे ही फायदा है।
शुरू में मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही आलू की खेती देखते और करते आ रहे हैं। इस विधि से खेती करना बहुत ही आसान है। अगले साल से हम लोग जीरो टिलेज की खेती करने की सोच रहे हैं। इस तरह से खेती करने से महिला किसानों को कई फायदे मिले। पहला, चूंकि इससे जुड़े सारे निर्णय इन महिलाओं ने खुद लिए थे, इससे उनमें न केवल अपने निर्णय लेने की क्षमता को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उनके परिवार का उन पर विश्वास बढ़ा कि उनका निर्णय सही था। इसमें वीआरपी दीदी ने भी बहुत मेहनत की और इससे उनकी नेतृत्व क्षमता में भी निखार आया। दूसरा, ये महिलाएं और महिला किसानों के लिए प्रेरणा बनी और आज इनकी सफलता को देखकर न केवल महिला बल्कि पुरुष किसान भी जीरो टीलेज की इस विधि को अपना रहे हैं। तीसरा, इससे महिलाओं की आय बढ़ी, जिसकी वजह से वो अब घर से बाहर निकलकर बाजार में भी अपनी फसलों की अच्छी दाम के लिए लोगों से बातचीत कर रही हैं। सच कहूं तो जीरो टीलेज से आलू की खेती ने महिला किसानों को अपने सपनों को साकार करने का एक नया रास्ता खोल दिया है। एक तरफ वो खुद जीरो टीलेज से आलू की खेती कर अपनी पहचान बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी इस जानकारी को दूसरों के साथ साझा कर उन्हें भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं और अपनी सफलता की रोज एक नई कहानी गढ़ रही हैं।